हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि पॉल हेमन थे रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल, बट लास्ट स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने पॉल हेमन को फायर कर दिया एंड उन पर अटैक भी किया। तो अब क्या रोमन रेंस को मैनेज करने के लिए आने वाला है कोई और, एंड वो हो कौन सकता है? आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 38 में हमें कौन सा एक बड़ा रिटर्न देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ एजे स्टाइल्स के एनएक्सटी अपीयरेंस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम एजे स्टाइल्स से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसा कि मंडे नाइट रॉ में तो एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का ब्रेकअप हो गया एंड नेक्स्ट वीक इनका मैच भी हमें देखने को मिलने वाला है। बट सोशल मीडिया पर ग्रेसन वॉलर, जो कि एनएक्सटी के हील है एंड एजे स्टाइल्स के बीच काफी कुछ चल रहा था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनएक्सटी शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले ये अनाउंस किया कि एजे स्टाइल्स हमें कन्फ्रंट करते हुए दिखने वाले ग्रेसन वॉलर को, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। एजे स्टाइल्स को काफी अच्छा रिएक्शन मिला एनएक्सटी की क्राउड की तरफ से। एजे स्टाइल्स के चैंट भी लग रहे थे और देखकर साफ लग रहा है कि अब एजे स्टाइल्स बन चुके एक फेस। एंड प्रोमो में इनके बीच काफी कुछ बहस वगैरह हुई, ग्रेसन वॉलर एंड एजे स्टाइल्स के बीच ब्रॉल भी देखने को मिलने वाला था, बट ग्रेसन वॉलर वहां से चले गए। तो ये बात साफ है एजे स्टाइल्स एंड ग्रेसन वॉलर का मैच जरूर से हमें देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब एजे स्टाइल्स हमें एनएक्सटी के कई सारे और एपिसोड्स में भी देखने को मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है एजे स्टाइल्स पूरी तरह से एनएक्सटी चले गए, बिकॉज वो हमें रॉ में भी देखने को मिल रहे हैं एंड वहां पर उनकी फ्यूड चलेगी ओमोस के साथ। तो कह सकते हैं एजे स्टाइल्स की एक तरह से डबल ड्यूटी लग चुकी है। वैसे आपको एजे स्टाइल्स कैसे पसंद है एज अ फेस या फिर हील, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि आखिरकार हमें एक कौन सा बड़ा रिटर्न देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 38 में। अब काफी कुछ ऐसी अपडेट्स भी आ रही है कि WWE शिफ्ट करने की सोच रही है थंडरडोम में। होप कि भाई ऐसा कुछ भी ना हो एंड हमें रेसलमेनिया क्राउड के बीच ही देखने को मिले। बट गाइस, रेसल वर्ल्ड जो कि काफी ट्रस्टेड सोर्स है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि WWE चाहती है स्टीव ऑस्टिन पार्ट हो इस साल के रेसलमेनिया का, जो कि होने वाला है डैलस में। और अगर आप सब ये सोच रहे हो कि वो वहां पर हमें कोई मैच लड़ते हुए दिखने वाले, ऐसा नहीं होने वाला। वो वहां पर बस हमें अपनी अपीयरेंस करते हुए दिखेंगे, लेकिन हाँ, वो कोई नॉर्मल अपीयरेंस नहीं होने वाली, उसमें भी काफी कुछ प्लान चीजें होने वाली है। बिकॉज हम सब जानते हैं टेक्सास स्टीव ऑस्टिन का होम टाउन है, इसलिए वहां पर WWE स्टीव ऑस्टिन को काफी अच्छा बुक करना चाहेगी, क्योंकि वो है भाई टेक्सास रैटल स्नेक। तो लेट्स सी कि आखिरकार क्या कुछ रोल होता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रेसलमेनिया 38 में। वैसे आप क्या चाहते हो वो किस रोल में हमें देखने को मिले, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है यूनिवर्सल चैंपियन दी नीडल मूवर रोमन रेंस से। जैसा कि उन्होंने इस वीक पॉल हेमन को कर दिया फायर्ड एंड उन पर काफी बुरी तरह से अटैक किया। तो अभी फैंस यही जानना चाहते हैं कि भाई रोमन रेंस के साथ आगे होने क्या वाला है, बिकॉज रोमन रेंस के कैरेक्टर में पॉल हेमन का एक काफी बड़ा रोल था। रोमन रेंस के साथ जब पॉल हेमन आते थे, देन रोमन रेंस और भी ज्यादा तगड़े हील लगते थे देखने में। तो गाइज, अगर WWE रोमन रेंस को एज अ हील ही रखना चाहती है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है, देन ये बात साफ है रोमन रेंस के साइड में आपको जरूर से कोई ना कोई देखने को मिलने वाला है। भले ये भी हो सकता है वापस से पॉल हेमन रोमन रेंस के साइड ही आ जाए, या फिर रोमन रेंस के लिए कोई और मैनेजर आए, एंड ये प्रेडिक्ट करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिरकार भाई आएगा कौन रोमन रेंस के साइड से। लेकिन हाँ, ये बात तो साफ है जो भी होगा वो काफी बड़ा नाम होगा, क्योंकि भाई पॉल हेमन को रिप्लेस करना कोई भी आसान बात नहीं है। और मुझे लगता है एक ही नाम है जो कि कर सकता है पॉल हेमन को रिप्लेस, और वो है भाई खुद ट्रिपल एच। आप सबको याद ही होगा सेथ रॉलिंस भी जब हील थे, देन वो अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए थे, तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हील लगते थे देखने में। तो वही रोल अब रोमन रेंस को मिल सकता है सेथ रॉलिंस की जगह। एंड अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे, देन आप सबको पता होगा कि ऐसी अपडेट्स आई है कि ट्रिपल एच का जो कार्डिक इवेंट हुआ, उसके बाद वो हमें अब WWE में कोई भी मैचेस लड़ते हुए नहीं दिखने वाले। इसलिए हो सकता है कि अब जब ट्रिपल एच हमें इन-रिंग एक्शन में देखने को नहीं मिलने वाले, देन वो रोमन रेंस के साथ एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं। और आप सबको पता ही है भाई रोमन रेंस शील्ड का पार्ट नहीं होने वाले थे। शील्ड में जिसने रोमन रेंस को रखा है वो है खुद ट्रिपल एच, एंड ट्रिपल एच ने पहले रोमन रेंस को काफी अच्छी तरह से परख लिया था कि ये WWE का एक काफी बड़ा स्टार होने वाला है। और अब जब रोमन रेंस बन चुके हैं WWE के एक काफी बड़े स्टार, देन जरूर से ट्रिपल एच वो नाम हो सकते हैं जो कि रोमन रेंस के कैरेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करे। बट हाँ भाई, ये बस स्पेकुलेशन है, बिकॉज पॉल हेमन को रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर WWE रोमन रेंस के साथ कुछ फ्रेश करना चाहती है, तो इससे अच्छा भाई क्या ही कुछ हो सकता है। वैसे आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना, अगर रोमन रेंस का कोई न्यू मैनेजर आता है, देन आप किसे देखना चाहोगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।